किसी को कोई खतरा नहीं है, इन्होंने बस झूठा फैलाया है सबको बदनाम करने के लिए। ते हिंदू मुस्लिम सिख इन्होंने फैसला किया लंगर सिस्टम शुरू करांगे। भी जेड़ी साड़ी पजारी मजोरिटी सी ना, उन्होंने सानू धर्म च वंड दिता। कि इन्हां नू सिख और मुसलमान दा आपस च जर कितने ना कितने फुट डाल के रखोगे तो राज कर जाओगे, नहीं मौका है। हेलो जी, राम है। हेलो जी, अल्लाह। आ गया जी वाहिगुरु, ते आ गया हुण जीसस। यह की बन गया जरा दिखाओ उधर कसुन, ए वा एका। तुहाडे मोर्चे दा एका क्यों है? क्योंकि तुसी किन्ना नू नहीं वड़न दिता भाई राजनीतिक लोकां नू। जहर दी खेती करनी है ते वोटां दी फसल होनी है। सबको प्यार मोहब्बत है, यहाँ सब इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा सोते हैं, इकट्ठा खाते हैं। ये देश प्रेमी ने, असली देश प्रेमी जिहड़े भारत नूं प्यार करदे ने, इंडिया नूं प्यार करदे ने, उत्तों जान वारन लई भी तैयार ने। पर फिर भी बहुत सारे लोग ने जिन्हां दीआं अक्खां च रड़कदे ने। असीं इस वेले राजस्थान हरियाणा बॉर्डर ते हैं, जिहदा नां शाहजहांपुर। और असीं रात दे समें एक ऐसा कैंप देखिआ, जिस कैंप दे विच ऐसे लोग बैठे सी जिन्हों कई राजनीतिक पार्टियां ते गोदी मीडिया दे लोग माओवादी, खालिस्तानी, आतंकी या फिर होर कई नावां दे नाल लोकां दे विच प्रचारित करदे ने। कई तो राजनीतिक पार्टियां इत्थों तक कह दिंदियां कि इन्हां दे कपड़े देख के पहचान सकदे आ कि एक अतवादी कैसे हुंदे ने। कपड़िया तो देखो कमाल हो गई इंडिया च, कपड़िया दे अतवादियों का ठप्पा लाता। असीं इत्थे देखे तो असीं हैरान हो गए भी जिन्हां दा गोदी मीडिया प्रचार करता, जे कि वो इतने आके पहुँच जाते तो उन्होंने कहना सी कि एक नहीं आतंकी माण इतने तो कई कट्ठे हो गए, दो दो ग्रुप धड़े कट्ठे हो गए, बड़ा औखा हो जाना सी। सो गोदी मीडिया ने किस तरीके ना प्रचार करना सी तुसी आपे अंदाज़ा लगा लो। तो जे कि राजनीतिक पार्टी का कोई बुलारा हुंदा तो उन्हें तो रौला पा पा के टीवी का ना स्पीकर ही पार देना सी भी असी उत्थे देखिया फलाने बॉर्डर पर जाके तुसी देखो, वो तो रात के समय खीरां पकाउंदे ने, चावां बनाउंदे ने प्योर दुध दीआं। और असीं इत्थे इह दसणा चाहुंदे आ कि इह आ असली भारत, इह आ असली देश, इह आ साडा इंडिया, जिस इंडिया दे विच एक फुल्लां दा गुलदस्ता वख वख धर्मां दा, वख वख जातां दा, वख वख प्रांतां दा, वख वख भाषावां दा, वख वख रस्मां दा, वख वख रीति रिवाजां दा, पर सारिआं दीआं भावनावां, खुशियां, दुख दर्द सांझे ने। किसान मोर्चे ते असीं पहुंचिआ, इन्हां दा एका देखिआ। सब तो पहले तुहानूं असीं उस कौम दे नाल मिलाने आ जिस कौम दे उत्ते अतवादी होण दा ठप्पा घट ही लगदा, जां उहनां नूं लग भी जावे तो कोई मन के तैयार नहीं। सो असीं जानना चाहवांगे कि इन्हां दे विच भाई हिंदू किन्ने, जे जरा हथ खड़े करो हिंदू। देखो जी इच आ जिहड़ियां लाइनां बैठियां ने ना, इधर भी जरा कैमरा जरूर घुमायो नाल दी नाल, बिल्कुल सारे दिखा दिओ जरा। एक लाइन तुहानूं दिखा रहे हैं कि इन्हां दे विच खड़े ने वह हिंदू वीर। आ जरा वीरता तो जरा जरूर कैमरा मारी ना, नाले हरी पग बद्धी है इहदी, तो सेवा जरा टका के हो जाणी है कि तू मुसलमानां नाल रंग क्यों बद्धा भी सिर ते, होवें तू हिंदू, तैनूं कर देना धर्म चो वेखी हाँ। पर चलो खैर, नहीं हुंदा बाबा इदां नहीं, इह किसानी दा रंग है। ओके अच्छा, हुण उहदे बाद असीं गल करांगे मुस्लिम भाईचारे की। वैसे तो तुसीं टोपियां तो पछाण ही लिया, कोई जरूरी नहीं है कि अं पक्का ठप्पा ला दिए कि जिन्हें टोपी पाई वह मुसलमान ही है। की गल है, कोई हिंदू वीर या कोई होर वीर टोपी नहीं पा सकता, पर अं फिर भी जाणांगे। मुस्लिम वीर जिहड़े एक करी हथ खड़ा करो, किन्ने हो? लो जी, हुण ना देख तुसीं रहे हो कैमरे च, तो गिनती तुसीं आपे ही मार लो भी पहला हिंदू वीर किन्ने सी ते हुण मुस्लिम वीर किन्ने आ। हुण असीं वारी करांगे, सिख भरा मैनूं दस्सिओ जरा। वैसे तो पग्गां ने दस ही दिता तुहानूं, फिर अहीं फिर भी दस दे जरा, बाहवां खड़ियां कर दीए। क्या बात है, आ देखो हाँ, ये तुसीं हुण बाहवां जिहड़ियां देख रहे हो ना, ये हैगियां सिख भरावां दीआं। सो ये एक गुलदस्ता, इस गुलदस्ते दे विच शाहजहांपुर
इस गुलदस्ते की खासियत यह है कि इस जी खुशबू आ रही है ना, इस गुलदस्ते की खुशबू के बीचों आ रही है जी, वो आ रही है देश प्रेम की खुशबू। इस गुलदस्ते जो खुशबू आ रही है देश तो कुर्बान होने की खुशबू, इतों जज्बा आ रहा है कि असी अपने वतन का ना खराब नहीं होने देंगे, चाहे वो जान क्यों ना चली जाए। ये वो जत्था है, ये देश प्रेमी ने, असली देश प्रेमी जिहड़े भारत नूं प्यार करते ने, इंडिया नूं प्यार करते ने, उत्तों जान वारन लई भी तैयार ने, पर फिर भी बहुत सारे लोग ने जिन्हां दियां अखां च रड़कदे ने ते कंडियां वांगू चुभदे ने ते लाल मिर्चां वांगू लगदे ने, वो नहीं हटने चाहे जो मर्जी कर लैन, भावें चम दियां जुत्तियां भी बना के उन्हां दे पैरां च क्यों ना पा दे। खैर, असीं आखिर इत्थे आए हैं ते इत्थों दियां खासियतां तुहानूं दसणियां जरूरी ने। सब तो पहला कि ये जो जगह है इत्थे एक स्पैशल चाह बनती है, चाह बनाउंदा कौन है ते पींदा कौन है जदों तुहानू दसांगे ना तो सत्ते ही कपड़ी अग लग जानी उन्हां लोकां नू जिहड़े लोग इन्हां नू कट्ठियां बैठण नहीं सी दिंदे, इन्हां नू कट्ठियां बैठण नहीं सी दिंदे, इन्हां दे हत्थां दे विच घर बैठियां दे विच दातां तलवारां ते डंडे फड़ाते सी भी तुसीं एक दूजे दे दुश्मन बन जाओ। गवांडी गवांडी का दुश्मन बनाता सी, भरा भरा का दुश्मन बनाता सी, दोस्त दोस्त का दुश्मन बनाता सी, ये हाल करता सी इन्हां लोकां ने। इस किसानी मोर्चे ने सब कसरां कर दित्तियां, सब कसरां आ एका कर दिता जिहदी देश नूं लोड़ सी। हुण इस एके दे विच आ वीर असीं अगे देखिया सी, तुहानूं शॉर्ट्स दे विच भी पता चलेगा, इह जो वीर खुरपा फेर रहे ना इस वेले खीर बन रही बड़ी सवाद, मैं पहलां दस दिया जे किसी के मूँह च पानी आ रहा तो कोई गल नहीं आ जाओ किसी दिन खाण, है ना, पर ये समान बड़ा पिया जे, ठीक है, समान उत्ते देखो जो इदा खुरपा फेरदा ना समान उत्ते किन्ना आंदा है, तो समान भी बड़ा जी। सो ये खीर नूं कदी तां इस खुरपे नूं मेरा सिंह वीर फड़दा, कदी हिंदू वीर फड़दा, तो कदी मुसलमान वीर फड़ के ये खुरपे की सेवा कर रहा, खीर बना रहा। पर हुण असीं जाणदे हां इन्हां सारिआं तों महापुरख वी इहदे विच बैठे ने, बाबा जी वी बैठे ने, मुस्लिम भाईचारे दे मेरे वीर भी बैठे ने सत्कारयोग, हिंदू भाईचारे दे वीर भी बैठे ने, सारे नाल ही गल करदे। शुरुआत करदे हां टोपी वाले तो, जितों बड़ा खतरा कईआं नूं, गल करदे जी जी सर, बड़ा खतरा टोपी दे कईआं नूं। नहीं 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 नहीं, किसी को खतरा नहीं है, ये बनाते हैं खतरा सर। अच्छा, हाँ, किसी को कोई ख़तरा नहीं है, इन्होंने बस झूठा फैलाया है सबको बदनाम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, भाईचारे को बिगाड़ने के लिए फैलाया है इसने, हाँ बस और अच्छा, कुछ नहीं है। ये बताएं कि आप यहाँ सेवा करते क्या, क्या सेवा होती है? हम चाय बनाते हैं सर यहाँ, सुबह 4 बजे 4:30 बजे हम जो है कि यहाँ आँच लगा देते हैं, 5 बजे से हमारी चाय शुरू हो जाती है। चाय तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बनाते थे सर, वो चाय नहीं बनाते हम, आप इनसे पूछे हमारी चाय कैसी होती है। 5 क्विंटल रोजाना दूध की चाय हम बनाते हैं रोजाना। अच्छा, हाँ जी सर, हाँ। और कितनी देर लगती बनाने में सर? पूरा अब 9 बजे तक चलेगा हमारा चाय। लाइनें कितनी लंबी लगती है? बहुत लंबी लाइन लग जाती है। आप पे आरोप लग रहा है कि आप लोगों के घरों में लड़ाई डालेंगे, क्योंकि जब ऐसी चाय लोगों को घरों में मिलेगी नहीं जी जी, तो फिर क्या होगा, घरों में झगड़े होंगे ना, फिर हम चले जाएंगे सर बनाने के लिए वहाँ जाएंगे। अच्छा, ये जो चाय है जी सर, इसके लिए लाइनें काफ़ी लंबी लगती है जी सर। अच्छा, इसमें चाय पीने सिर्फ मुस्लिम ही आते हैं कि कोई और भी आता है? सब आते हैं सर। सब कौन? सब, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सब आते हैं। सिख तो आ ही जाएंगे, वो उनको कोई टेंशन नहीं है। नहीं नहीं, क्योंकि दरबार साहिब का साईं जी ने ही नींव पत्थर रखा था, अल्लाह अल्लाह तो गुरु ग्रंथ साहब में, वहाँ तो ऐसी चिंता ही नहीं है कोई, वो तो आएंगे। नहीं सर, अब इस सवाल को अगर भाई साहब से पूछें, एसपी सिंह बैठे हैं कि यहाँ चाय पीने कौन कौन आते हैं, नहीं तो फिर उस पर और ज्यादा मोहर लगेगी। मैं उन पे भी उनके पास भी जाऊंगा जी सर। मेरा वजन थोड़ा आपसे जी, क्यों आपको नाम लेने से डर लग रहा है? मामला नहीं, हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। हाँ तो बताइए ना फिर। सब पीने आते हैं सर। हिंदू आते हैं? हिंदू आते हैं, टोपी टोपी देख के दौड़ते नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, सबको प्यार मोहब्बत है यहाँ, सब इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा सोते हैं, इकट्ठा खाते हैं, ठीक है सब जो। तो मतलब ये नहीं होता कि अरे मैं मुस्लिम के हाथ की चाय क्यों पीऊं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं लगता बिल्कुल। हुण असीं हिंदू वीर दे कोलों गल क्लीयर करांगे कि जो सानू भाईजान ने दस्या है इस सच्चाई की है। इन्हां दा कहना कि लिस्ट लाइन लंबी है जी। की नाम तुहाडा भाई जी? मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह है। सुरेंद्र पाल जी, मियाँ जी कह रहे हैं कि लाइन बड़ी लंबी लगती है, वाकई लगती? देखो तुसी कह रहे हो
कि मुसलमान चाह बना है तो मुसलमान ही पीते होंगे। सच्ची गल है कि मुसलमान बनाने वाला ही है, क्योंकि इन्हों का एक वक्रा धरना चल रहा है सुनेड़ा भरतपुर के कोल, ये तो है ही 10-15 सारे, वो बदलते रहेंगे हैं, तो बाकी तो पीने वाले तो मैक्सीम हिंदू ही हैं, है और बड़े राजी होकर पीते और लंबी लंबी लाइन है, क्योंकि मेरा नाल ही टेंट है। सुरेंद्र जी, मेरा कहने का मतलब यह दिल है ना जो इतने ना तुहाडे नाल सी तुहाडा हो सकता प्यार, पर कुछ लोग सी कामयाब हो गए सी इस दिल दे विच नफरत दा बूटा लगाउण नूं। देखो इतिहास इस गल दा, मैं थोड़ी जी जलियांवाला बाग की गल करना चाहूँगा। जी जरूर करो। जदों जलियांवाला बाग च सारा जो भी वो होया सीगा, वायलेंस होया सीगा, फायरिंग हुई सीगी, माहौल की सीगा, उस वेले राशन की कमी पै गई सीगी, तो हिंदू मुस्लिम सिख इन्होंने फैसला किया सीगा असीं लंगर सिस्टम शुरू करांगे, रल के लंगर लाते सीगे, तो आई गल जो है ना जो अंग्रेजा नु लगी उन्होंने किरकरी हो गई कि आ तुम्हारा औखा है साढ़े लिए यूनिटी बन रही है। और तुम्हें बड़ी इंट्रस्टिंग गल दसागा, मस्जिद से बैठ के रामनवमी से फैसला होया कि आपां जो है ना राम जो याद वो जो जुलूस निकालेंगे, और जुलूस की अगवाई की डॉक्टर बशीर ने, और मस्जिद से फैसला होया सी और सारे शामिल सी हिंदू सिख और मुस्लिम, आ इतिहास सीगा। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों को लग्या कि इन्हों की इन्हों डिवाइड करना बहुत जरूरी है, और उस वेले के अंग्रेज अफसर की डायरिया लिखी है गल कि इन्हों सिख और मुसलमान का आपस से जो कितने ना कितने फुट डाल के रखोगे तो राज कर जाओगे, नहीं मौका है। और बड़ी लंबा इतिहास है, तो वो ही इतिहास जो है ना दोहरा रहे हैं अपना जो इस वे डायरी कहे दे हाथ लग गई है। बिल्कुल मेरे इंटरव्यू है कुछ इस मामले च, नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा कि डायरी जी अंग्रेजों वाली वो किसी ने पढ़ ली है किसी के हाथ लग गई है? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा। मैं कह रहा इस बारे मैं अपने लेख लिख चुके हैं। अच्छा। मैं इंटरव्यू ले चुके हैं, पर प्रोफेसर जगमोहन सिंह का इंटरव्यू लेता, शहीद भगत सिंह बाणजे जड़े मेरी किताब से आर्टिकल उन्होंने बकायदा रेफरेंस दिता इस गल का, मैं हवा से गल नहीं कर रहा इतिहास दूजी गल। तो हम जो प्रेजेंट रिजीम हैगा मतलब इस वेले का निजाम है, उन्होंने भी उ उन्होंने लग्या भी उही फार्मूला जरूरी हैगा, आपस से वंड किस तरह किया जाए, आपस से डिवाइड किस तरह जाए, न जहर की खेती करनी है तो वोटों की फसल होनी है तो राज रहेगा साढ़े को, मोटा का फार्मूला सीधा का फार्मूला, वो फार्मूला जो है ना उन्होंने अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इस वेले असी जो ना इतिहास के इस तरह के मोड़ से बैठे हाँ, तो लगता कि असी नवा इतिहास बना रहे हैं पिछले 6-7 सालों तो खास तौर पर, जिस तरीके का समाज से जहर सीगा नफरत सीगी वो सारा जो ना हुण रिवर्स हो रहा है। इस वेले असी सानू सच्चाई का पता लग गया, तो असल च तो इंसान इंसान एक इको ही है, समझते ही आप, तो बड़ियाई करनी पेगी सिखा की तो पंजाब वाले की कि वो जो गुरु नानक देव जी की दे विरासत है सांझे लंगर की मिलजुल के खाण की उस विरासत को अगे लेके आए। पर भी जी हाँ मैं थोड़ी गल सहमत हो गया, पर मैं ना सवाल जो अज का बड़ा है ना वो ये है कि हूँ असी सारे वीर देख रहे एक है ना, एक कट्ठे बैठे हैं एक जगह पर बैठे, मैं वेख्या सारी एक जगह चाय पी रहे एक जगह हस खेड रहे इकट्ठे सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग ने जिन्ह दिन ना बाज वाली नज़र ने एक खबर तो बाद हो सकता कैमरा लेके आन भी दिखा भी देन भी देखो तंकियों का गढ़। इस वेले मैं फिर रिपीट कर रहा असी नहीं पता लगता वो तो ऐसा बोल के गल तो मेरी गल तो सुनो, असी ना इतिहास नवा इतिहास बना रहे हैं है। इस वेले इतिहास के उस मोड़ से खड़े हैं कि जिस वेले उन्हों का आईटी सेल जो है ना जो नफरत फैल फैलांदा ही कम ही कोई है। अच्छा। वो इस वेले डिफंक्ट है, उन्होंने जो घोड़े सके ना आईटी सेल वाले वो अस्तबल से खड़े हैं और खाली खड़े हैं। अच्छा। क्योंकि वो ताकत समझ गए इस आंदोलन की, उन्होंने लगता है कि नहीं इन्हों तो हैड ऑन इनकाउंटर करांगे तो औखा हो जाऊगा, बड़ा बहुत बड़ा खमियाजा पोतना पाऊगा, वो डरे हुए हैं उन्होंने पसीने आए हुए हैं, और इस वेले उन्हों की कोई छोटी मोटी गलत देखो करने वाले करते ही हैं, लेकिन उन्होंने जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके सिस्टमैटिक तरीके जो आई टी सैल काम करता सीगा और जिहड़ी कहानियां बनाता से फेक स्टोरी ते नफरत फैलाने दे सारे उन्होंने अपने तरीके सीगे वो इस वेले मिला जुला के बंद है गए। अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी 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 बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सही है कि पिछले काफ़ी दिनों के जदों इन्हां सोहणे चेहरिया जदों ऐसे महापुरखों के चेहरिया जो ऐसे वीरां दे चेहरियां नूं देख देख के तो बहुत सारे लोगों ने बीजेपी दे मैं ना लवांगा कि उन्हां नेतावां ने इतराज योग बहुत सारे बयान दिते, आतंकी क्या माओवादी क्या खालिस्तानी क्या बाहरों फंडिंग दे इल्ज़ाम लगाए होर भी कई तरह के इल्ज़ाम लगाए उन्होंने। उस तों बाद राजनाथ सिंह जी अगे आते ने और उन्हां दा ये कहना कि सिख मेरे भरा ने
तो कोई मेरे भरावान अतवादी कहेगा मैं बर्दाश्त नहीं करा। कमाल है यार, तुम्ही ने दर्द दिया और तुम्ही दवा लगा रहे हो। खुद ही जब देखिया कि हूँ इन्हों कोई फर्क नहीं पिया तो हूँ इन्हें तो मलम लगाना जरूरी है ताकि कोई बंदा तो उन्होंने हक च खड़ के किसी को कहिए कि देखिए राजनाथ सिंह चंगे से वधिया उन्होंने गल वधिया की पर बड़ी देर बाद। सो ये प्यार बहुत सारियां दियां नींदा उड़ा रहा, बहुत सारियां नूं परेशान कर रहा है। जिन्होंने बड़ा बड़ा लंबा राज करन दे सुपने लए सी उन्होंने सुपने चकना चूर हो गए ने, और उन्होंने सुपनों के उत्ते ना इदा ही खुरपा फिरता पाया जिदा भा दिखाई रहा खुरपा फिरता, इदा सुपने उन्होंने ना चकना चूर हो गए ने। बाबा जी को असी हुण गल करांगे। बाबा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखो जी राम अल्लाह राम वाहिगुरु की कहंदे महाराज ने देखा अल्लाह अल्लाह नूर पाया कुदरत बंदे एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे। उन्होंने सारा एक ही बनाता है राम राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। उन्होंने कोई गल छी नहीं, महाराज ने पहलो ही आख्या भी आप सारे भरा गोच बहीए कट्ठे हुईए। चलो कुछ समा सी साढ़े, मैं अगे भी बेनती पिछे भी करके आया भी जिहड़ी साडी पजारी मजोरिटी सी ना उन्होंने सानू धर्म वंड दिता, जिहड़ी शस्त सी पॉलिटिक सी उन्होंने सानू इन्हां च पार्टियां च वंड दिता। साडा तो कोई कसूर नहीं सी, ते भोले पाले सा इन्हां दे कलावे च आ गए। हुण सानू पता लग गया भी इह सानू गलत वरतदे रहे, हुण साडा सारिआं दा प्यार है वंड पाउण वालिआं दी हुण नीयत दा की हाल चाल होगा, जां वंड पाउण वालिआं नू जां वंड पाउण वालिआं दे चेहरे ते आ तुहाडे एके दा तमाचा ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਜਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਗੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦਾ ਲਾਈਏ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ। ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਆਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਦੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੀਸਸ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਓ ਉੱਧਰ ਕਸੁੰਨ, ਇਹ ਵਾ ਏਕਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਸੁੰਨ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ 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 ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਸੁੰਨ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ 'ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸ ਕਾ ਸਰ? ਮੰਨ ਲੀਜੀਏ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਾ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਬੰਦਾ, ਵੋਟੋਂ ਕੀ ਖਾਤਰ ਆਪਕੋ, ਅਰੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੇ ਹੈ तो आपको नहीं पता वो ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, उन्होंने राम मंदिर बना दिया, आपको ये नहीं करना चाहिए, हमारी मस्जिद आ दी, ऐसे बंदे आके तुहानू इलेक्शन दे लागे हवा देंगे पंप देंगे उकसाएंगे, ऐसे लोगों का की हशर करोगे। जे तुम इतने एक को जे इतों जाके तुम यहाँ से जाने के बाद अगर आप फिर वैसे का वैसे ही हो गए तो यहाँ एका दिखाने का कोई मतलब नहीं होगा। आप दो मेरे तरफ से जवाब। आप मैंने देखिए आपके पास आपका ठेकेदार आएगा, उनके पास उनका ठेकेदार आएगा। मैं पहले आप बताइए कि आपके पास आपका ठेकेदार आता है या आपका नेता आता है और यही बात कहता है जी सर, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? घर में घुसने दोगे? दड़ाओगे? क्या करोगे? सर मेरे समझ में नहीं आया आपका सवाल। अरे भाई कौन समझाएगा? इनका सवाल यही है कि धर्म के नाम पे बरगलाने के लिए फिर पॉलिटिकल लोग आ जाएंगे, तब क्या करोगे?
दूसरा सवाल है सर, जो हमारे भाईचारगी है वो हमेशा बाकी रहेगी हमारी तरफ से। हम कोई किसी के उसमें कोई गलत बात, कोई गलत बात कहेगा हम उसको किसी बात को नहीं मानेंगे। आप मानिए भले मत, लेकिन सुनेंगे क्यों, बात उसे करने ही क्यों दोगे? बिल्कुल बिल्कुल उसको भगा देंगे हम। कोई कैसे भी कोई गलत बात कहेगा उसको हम सुनने के लिए राजी नहीं होंगे। ऐसे खुरपे कितने हैं आपके पास? सर बहुत सारे खुरपे हमारे पास है सर, साहब घर में एक एक रखना ऐसी वाला। ठीक है ओके सर, है ना। जब भी कोई ऐसी उल्टी सीधी बात करने आए ना ऐसे ही फेरना। अच्छा जी तुसी दसो जी, सेम सवाल है, धर्म का ठेकेदार राजनीति करने वाला आण के तुहानू धर्म के नाते फुट पाउंदा वंड वटाउंदा जां भड़कांदा? फिर देखो बहुत सीधा जा फॉर्मूला हैगा, जे साड़ी पॉलिटिक्स इशू बेस्ड हैगी, मुद्दे से आधारित हैगी, तो उस उन चीज़ों लई स्पेस नहीं बनता। ठीक है, स्पेस तो ही बनता है कि जो तुम बनावटी कहानियाँ, फेक स्टोरी, कोई जहर वाली नफरत वाली गल्ला करते करते और इशू खत्म कर देंगे, सैकेंडरी कर देंगे। असी किसी तरीके नाल जे पब्लिक दे इशू है वो इशू सरफेस से रहने चाहिए, वो इशू चर्चा रहनी चाहिए है, वो इशू मुद्दे रहने चाहिए है। जो रहने मैं उही गल कह रहा जे तो पंजाबी सारे जानते हैं तो दस्यो, नहीं तो मैं हिंदी कह दिया। ये आपके मोर्चे तुहाडे मोर्चे का एका क्यों है? क्योंकि तुसी किन्ना नूं नहीं वड़न दिता भाई, किन्ना नूं नहीं वड़न दिता? राजनीतिक लोकां नूं, राजनीतिक लोकां नूं। एक तुसी राजनीतिक लोकां नूं नहीं वड़न दिता और दूसरा धर्म दे ठेकेदार, तुसी दो नहीं वड़न दिते इन्हां मोर्चियां दे विच, ते तुसी बच गए हो ते अज इकट्ठे बैठे हो। नहीं तो यह मोर्चा भी औस नुक्कर च मुसलमाना का होना सी, औस नुक्कर च हिंदुआ का होना, एक नुक्कर च सिखा का होना। बाबा जी राजनीति ना प्रेरित नहीं है, राजनीतिक नहीं, वो नेक काम करते ने, रब के नाम वाले ने, नेक रूहां ने। पर मैं जरूर वीर ने लागे खड़े मैं इन्होंने को पूछ लैना। हाँ वीर जी, धर्म के ठेकेदार सारिया को ही है, साढ़े को भी है, राजनीति करने वाले अपने आप को पंथक लीडर भी कहते हैं, बड़े ने अजक, वो हुण जदों आउणगे उन्होंने भी इदां पुठियां सिद्धियां गल्लां करनियां ने, की लगता? उन्होंने मेरे हिसाब नाल सोटा फेरना ही ठीक लगेगा। हाँ बस सोटा फेरना ही ठीक लगेगा आउणगे। हाँ अच्छा हुण एक सुर में साहब के साहब मतलब साहब भाई जितने भी हैं जिन्हें भी वीर हुण एक सुर च जरूर दसो, ये मैसेज जाना उन्हां तक, लाखों करोड़ों लोगों ने तुहानू देखना है, इस सेके नूं तोड़न वास्ते अगर कोई आंदा तां की करोगे? सोटा फेरांगे जी, ओदे सोटा फेरांगे जी जोर नाल, चलो। हाँ जी हाँ जी, हमारे बीच आके आ जाओ, आके आ जाओ, आओ जरा तुसी दसो की कहंदे हो, चेहरा जो हमारे कैमरे वालों बाबा जी। हाँ चलो हुण बोलो, जो हमारे बीच आज है, हम सड़क पे हैं, जो हमारी आवाज सुन रहा है हम उसी के साथ है, उसी को सपोर्ट करेंगे आगे किसी चल जाके। क्या बात है, तो इस एके दे मेरा वीर नारे लगा दे जरा, जिंदाबाद हो जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जीतेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अज तुहानू सारयां नू ये गल मैं जरूर दसना चाहूँगा कि इंडिया क्रिकेट का कप जितदा, उहदे विच एक हिंदू वीर है, हिंदू प्लेयर है साडा, वह 89 रन बनांदा, 99 रन बनांदा, सिख वीर है वह बनांदा 91 रन, और मुस्लिम वीर है वह 5 विकटां लैंदा। हिंदू मुस्लिम सिख तिन्ना ने जदों मिल के मैच खेडिया तो मैच जितया। ये जिहड़ा हुण किसानी बिल का मैच है ना, जिहड़ा ये भी इस एके ने जिताना है, ते जे तुसी हुण ये कहोगे ना कोई एक जिता दे जी। हिंदुस्तान में 29 स्टेट हैं, उनमें से 26 स्टेट के लोग आज यहाँ पर हैं। आप इसको यहाँ केरल के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, आंध्रा के हैं, कर्नाटक का है, और यहाँ पर आपको एक ताज्जुब वाली बात बता दूँ, कोई किसी को बुलाकर नहीं आ रहा,
झगड़ कर आ रहा है, जबरदस्ती सांस लेकर आ रहा है। लोग गाड़ी लेकर आते हैं तो एक सवारी को छोड़ देते हैं, भाई जगह नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को तो चलना है, किसी भी हालत में चलना है। और आपने एक बात पूछी है ना कि वो हमारे पास आएंगे तो हम क्या करेंगे। उनकी हिम्मत नहीं हमारे पास आने की, सोचे सोचने की हिम्मत नहीं कि आने की, तो बहुत दूर की बात करे हो आप। तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, वो सारी गंद इकट्ठी हो गई है, सारा गंदा जो पानी है ना एक कोने में इकट्ठा हो गया है। और वो अपनी खुदकुशी करेंगे, वो शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसका मतलब किसान नेताओं ने या किसान आंदोलन ने फिल्टर लगा दिया है। जी हाँ, फिल्टर लगा दिया, उनकी हिम्मत नहीं। मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, हरियाणा की CID ने BJP के लोगों को वार्निंग दी है कि तुम अपना बचाव करके चलें, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या बात है जी। सो जी सो हिमाकत ही नहीं, एक के बीच हमेशा। और बात बता दूं, वो हमारे चेहरे देखकर ऐसे भागेंगे जैसे खरगोश भाग रहा हो। उन तो आप तो वो करेंगे क्या, वो टिकेंगे क्या, वो दिन के उजाले में निकलेंगे क्या घर से, वो सोचेंगे ये बात, हम नहीं सोचेंगे। हाँ, सो राजनीतिक पार्टियां जड़ियां ने उन्होंने हुण नवा फार्मूला, नवे कैंडीडेट, नवीं उम्मीदों के नाल मैदान चुतरना पेगा। सो जे हम पुराने हथियार ने चल चुके ने, बेकार हो चुके ने, हम पुराना बारूद जोड़ा वो किसी काम नहीं आने वाला। हमने जोड़िया नवी तोपा तो नवे गोले आख रहे हो ना सारे, हम इन्हें नहीं चलना, तो इन्हों का धमाका किसी को बर्दाश्त होएगा कि नहीं होएगा ये तो पता नहीं। कि तुम कुछ कहना चाहते, इधर आओ। अच्छा, इतने आ जाओ मेरे को। हाँ जी, दसो जी केड़ा नारा जी। हमारा एक नारा है, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अच्छा, तुसी क्या वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे ये नहीं दस्या, हड्डियां के कुछ और। वो हमारा भाईचारा तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। फिर पूरी लाइन बोलो ना कि वो भाईचारा तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, ये लाइन कहो ना। वो भाईचारा तोड़ेंगे हम भाईचारा जोड़ेंगे, ये लाइन पूरी बन दी है। फिर वो भाईचारा तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, वो भाईचारा तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, किसान एकता जिंदाबाद। क्या बात है जी। सो गला करते हैं, करते हमारी एकता जिंदाबाद। बिल्कुल जी, तुहाडी एकता जिंदाबाद है, तुहाडी एकता जिंदाबाद है, ता ही असीं इत्थे आए हैं। और तुहाडा मैसेज हुण दुनिया नूं जाएगा कि शाहजहांपुर दे उत्ते मुस्लिम हिंदू ते सिख किन्ने प्यार दे नाल शाम दे समय, सवेर दे समय और सारा दिन बैठते ने, केड़ी मज़ेदार चाह बनती है। और जेड़ा एक बार इतों की चाह पी लैंदा है वह फिर कितने टिकता नहीं, दोबारा पीण जरूर आता जे लंबिया लाइना लगदियाँ जे। और वो बाद जी शाम हम खीर बना रहे ने, असं इन्हों करके इंटरव्यू थोड़ी लंबी करती। हाँ जी, मेवाड़ की मेवाड़। मैं एक ही लाइन लास्ट से कहना चाहता हूं, इस थान का नाम है साझापुर। साझापुर 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 असी हूँ बन गया साझापुर। अच्छा, साझी थां हैगी, साझापन हैगा और यूनिक गल हैगी अपने आप च। क्या बात, एक नवा इतिहास असी रच रहे हैं हूँ। साझापुर है, साझा भी कह देंगे हिंदी च, साझा है साझा हैगा और साझेपन की मिसाल हैगी। रल के रल के खा रहे जी जी। साझा अगर किसी को समझ ना आवे, साझा का मतलब होंगे मिक्स कॉमन, उन्होंने साझा। हाँ जी, बिल्कुल रल के खा रहे हैं हूँ। जो इतने जी ठंड भी है ना, बहुत ज्यादा ठंड होती है, वो ठंड भी नहीं महसूस होती, जब रल गए तो उसकी एनर्जी है, गर्मी है, ऊर्जा हैगी, वो ठंड भी राजी खुशी बर्दाश्त होता है जी। बिल्कुल आस पास का ओरा जिहड़ा ना जी, वो एनर्जी भरपूर है। और इस वेले भाईचारक एका जिहड़ा एक वक्री मिसाल पैदा कर रहा है। और जिवें अज इंडिया की टीम जीती है, इस तरह एक किसानों की टीम जिहड़ी है किसान मोर्चा बहुत जल्द जितने जा रही है, ये इन्हां नूं उम्मीदां ने। सरकार जिहड़ी है वो उन्हें हर परख इन्हों की लैके देख लिया, कुदरत ने भी कहल ढांच कम कमी नहीं छड़ी, उन्हें भी परख लिया भी किन्ना क चिर बैठते ने। बहुत बारिश हुई, कड़ाके की ठंड पैंदी है, उसके बावजूद ये सड़कों तो कोई किसान उठ के घरों नहीं गया, डटिया रहा। और इत्थे कुदरती कहर का, सरकारी कहर का और हर कहर का हस के डट के मुकाबला किया। सो असी ये ही, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा लंबा चला गया, असी सारे को लें इजाजत, इसे उम्मीद के फिर दोबारा तुहाडे को आवेंगे, इस एक की कहानी अपने दर्शकों को फिर दिखावे। और उस दिन असी फिर वेखांगे भी खीर की जगह कुछ होर तड़का लगता कि खीर ही है। सो दो इजाजत, देखते रहो हक सच की आवाज़ का TV NRI।